टू यूपीएससी एग्जाम इनसाइडर। सो आज हम एनवायरनमेंट सीरीज का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। तो एनवायरनमेंट को फॉलो करने के लिए बेस्ट बुक है शंकर आईएएस की एनवायरनमेंट। सो हम वही बुक को फॉलो करेंगे और वही बुक का के चैप्टर्स को देखेंगे। तो ये बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इकोलॉजी। तो हम वहीं से ही स्टार्ट करेंगे, बुक से ही पढ़ते हुए आगे चलेंगे। सो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी का मीनिंग होता है ओइकोस, और लॉजी मीन्स उसको स्टडी करना। तो बेसिकली इकोलॉजी का लिटरल मीनिंग क्या होता है कि स्टडी करना अपने ही होम को, अपने ही नेचर को। फिर इकोलॉजी को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग थिंग्स अपने एनवायरनमेंट में, अपने सराउंडिंग में, अपने नेचर में किस तरह से रह रहा है, उसके साथ उसकी रिलेशनशिप क्या है, एनर्जी फ्लो कैसा है या उसका मिनरल साइकिल कैसा है। देन हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी जो है ना वो उतना ही ओल्ड है जितना कि ह्यूमन बीइंग ओल्ड है। भले वो एज अ सब्जेक्ट बहुत बाद में आया हो, बट इकोलॉजी को हम काफ़ी टाइम से ह्यूमन बीइंग्स में है। कैसे? जब केव्स में रहते थे मैन, जो ट्राइबल्स लोग हैं जो जंगल में रहते थे, तो वो अपने आसपास के सराउंडिंग को पढ़ते थे। लाइक ऑब्वियसली अगर कोई जंगल में रहता है तो वो धीरे धीरे उसे पता चलेगा ना कि ये पेड़ के फ्रूट पॉइजनस होते हैं, ये लकड़ी अभी सूख गई है, ये लकड़ी अभी गीली है। ऐसे अपने नेचर को, अपने जंगल को कितना अच्छे से जानते होंगे वो। तो जितना ओल्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन है उतना ही ओल्ड हमारा इकोलॉजी भी है। हमारे इंडिया के जो एंशियंट टेक्स्ट है लाइक समाहिता, ब्राह्मण्स, अरण्यक्स, उपनिषद्स, वेदास, उसमें भी ऐसे इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया गया है। अब इंडिया की जो बहुत पुरानी बुक्स है लाइक चरक समाहिता एंड सुश्रुता समाहिता, ये बुक में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें बताता है कि ओल्ड में हमारी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। क्योंकि ये बुक में जो भी टेक्निक्स बताई गई है, जो भी मेडिसिंस बताई गई है, ये सब बेस्ड किस पे है? एनिमल्स एंड प्लांट्स पे बेस्ड है। फिर इसमें एनिमल्स को कहीं ना कहीं क्लासिफाई भी किया गया है उनके हैबिट्स एंड हैबिटेट के बेसिस पे। चरक समाहिता में ये लिखा गया था कि जो हमारी वाटर है, एयर है, लैंड है, ये सब हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर उनको पल्यूट करेंगे तो वो हमारी हेल्थ को, पल्यूशन हमारी हेल्थ को ही ख़राब करेगा। तो तब उतने पुराने लोगों को भी ये बात पता थी। देन हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की। तो इकोलॉजी क्या हो गया? हमारे नेचर को पढ़ना, हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उसको पढ़ना। लेकिन एनवायरनमेंट की बात करें तो हम उसको पढ़ नहीं रहे हैं, वो हमारे आसपास जो भी चीज़ है, जो भी द सम टोटल सारे लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हमारे आसपास जो है वो पूरे साथ में मिलाकर क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट बोलते हैं। फिर हमारे आसपास लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दो होते हैं। तो अगर हम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को सेग्रीगेट करें तो एनवायरनमेंट के हिसाब से उसका वर्ड होता है एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स एंड बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स। तो ये टेबल दिया हुआ है। जैसे कि एबायोटिक थिंग्स क्या होते हैं? एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर, हीट, वाटर, एटमॉस्फेयर, फायर। एंड बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? ग्रीन एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स, डिकम्पोजर्स, पैरासाइट्स, सिम्बायोन्ट्स। सिम्बायोन्ट्स क्या होता है? जब कोई भी लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, मतलब एक एग्जिस्ट करता है इसीलिए दूसरा एग्जिस्ट कर पा रहा है, दूसरा एग्जिस्ट करता है इसलिए फर्स्ट वाला एग्जिस्ट कर पा रहा है। अब एनवायरनमेंट कभी भी स्टैटिक नहीं होता, वो हमेशा चेंज होते रहता है। और कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होगा वो कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा ही। समथिंग एज बेसिक एज ब्रीदिंग, आप
आपके एनवायरनमेंट में आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप ब्रीथ कर रहे हो तो वो आपका ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, वो बाहर से आ रहा है, वो नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट से आ रहा है. तो यू आर इंटरेक्टिंग विथ योर एनवायरनमेंट. फिर जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ बात, कोई ह्यूमन बींग्स के साथ बातचीत करते हैं, फूड हमारा, शेल्टर, ये सब भी तो एनवायरनमेंट से ही आता है. देन अब हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को और बेटर तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल बताया गया है यहाँ पे, एग्जांपल ऑफ अ एनवायरनमेंट ऑफ अ फिश इन अ पॉट. तो पहले तो समझते हैं एक फिश का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है. तो एक फिश जहाँ पे रहती है वहाँ पे एबायोटिक चीज़ें भी होगी एंड बायोटिक चीज़ें भी होगी. तो एबायोटिक क्या हो सकता है, पहले तो वो पानी में है तो वाटर, उधर सनलाइट आ रहा होगा सनलाइट, पानी का एक टेम्परेचर होगा टेम्परेचर, फिर वो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो पानी में, ऑक्सीजन होगा, अदर और दूसरे गैसेस होंगे, वो सारी चीज़ें एबायोटिक कंपोनेंट है. फिर बायोटिक कंपोनेंट में क्या आता है, प्लैंकटन करके एक छोटे छोटे ये होते जो फिश खाती है उसको प्लैंकटॉन्स करके होते हैं, और वो स्विम नहीं कर सकते, वो पानी के फ्लो के साथ ही रहते हैं. फिर दूसरी फिशेज होंगी, कुछ एल्गे होगा, कुछ दूसरे काइंड ऑफ प्लांट्स होंगे जो पॉन्ड के अंदर उगे होंगे, ये सारे हो गए उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट में डिवाइडेड है. देन हम बात करेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट की. तो फिश का इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होगा, जो भी उसका विद इन अंदर बॉडी के अंदर जो भी उसके बॉडी पार्ट्स होंगे, गिल्स होंगे, वेन्स होंगी, बोन्स होंगे, वो उसका इंटरनल एनवायरनमेंट होगा. अब अगेन बिकॉज द एनवायरनमेंट इज़ नॉट स्टैटिक, तो ये जो उसका इंटरनल एनवायरनमेंट है वो रिलेटिवली स्टैटिक है. अगर बाहर का आप देखोगे तो पानी, फिश, प्लांट्स से बार बार मूव करते होंगे, बट उसके अंदर का जो एनवायरनमेंट है, उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो कंपैरेटिवली स्टेबल है. लेकिन क्या वो हमेशा स्टेबल रहेगा? नहीं, इट इज़ सब्जेक्ट टू इंजुरी. कभी भी कुछ आके लगा, कुछ उसको डर लगा या ऐसा कुछ हुआ, तो उसका इंटरनल एनवायरनमेंट भी चेंज होगा. अब फॉर एग्जांपल उसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो काइंड ऑफ डिपेंडेंट है उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अगर एक हमने मरीन फिश को लेके फ्रेश वाटर में डाल दिया तो वो नहीं जी पाएगी, उसका बॉडी उसके बाहर के एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, तो वो अपने आप मर जाएगी.